सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मेडल जीतने वाली एथलीट गीता गुजारे के लिए बेच रही सब्जियां, माँ बाप का है सहारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, परिस्थितियां हमें मजबूर करती है, फिर इंसान जिंदगी को जीने के लिए कुछ भी करता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर इंसान तमाम टैलेंट होने के बाद भी कुछ भी करके जिंदगी चलाता है। ऐसे ही कहानी है एथलीट गीता कुमार की। गीता कुमारी पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप सहित कई प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी है। उन्हें झारखंड किसान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इन दिनों वह अपने माता पिता के साथ सब्जी बेचने को मजबूर है। आर्थिक कमजोरी उनके टैलेंट पर भारी पड़ रही है। पैदल चाल और क्रॉस कंट्री में अपने टैलेंट का लोहा मनवाने वाली गीता सब्जी बेचकर जिंदगी जी रही है। न्यूज 18 हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक गीता के पिता इंद्रदेव प्रजापति और माँ बुथनी देवी सब्जी बेचने का काम करते हैं। वे बुजुर्ग हो चले हैं, ऐसे में गीता भी उनके साथ इस काम में जुड़ गई है कि कम से कम रोजी रोटी की कमाई हो सके। वह सब्जियों का टोकरा उठाती है, माँ पिता की जितनी मदद हो सके करती है, इसके बाद ग्राहकों को सब्जियां बेचती है। क्षेत्र के मुखिया का कहना है, कोरोना के कारण गीता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, ऐसे में उन्हें सब्जी बेचने का काम करना पड़ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि राज्य किसान गीता की मदद हो ताकि वह खेल सके और एथलेटिक्स में देश का नाम रोशन कर सके। बता दें कि गीता साल 2012 से एथलेटिक्स में है। 3, 5, 10 और 20 किलोमीटर स्पर्धा में वह नेशनल लिस्ट जोन ईस्ट में पदक जीत चुकी है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में फार्मा मेडल कॉलेज सीट चैंसलर ट्रॉफी में 2 मेडल और इंटर कॉलेज गेम्स में 5 मेडल अपने नाम कर चुकी है। उनका सिलेक्शन झारखंड टीम में भी हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह इसमें भाग नहीं ले सकी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।